नदी में जागिरी है। इसमें 40 यात्री सवार थे जिनमें 13 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। यह बड़ा हादसा सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह टू लाइन पुल बना हुआ है, ओवरटेक करते हुए बस बेकाबू हो गई और ड्राइवर संतुलन खो बैठा और बस रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी है। बस इंदौर से महाराष्ट्र जाते हुए यह हादसा हुआ है। इंदौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। यह दो जिलों की सीमा पर बना है यह पुल, जिसे के चलते हुए इंदौर से महाराष्ट्र को जोड़ता है। हम आपको बता दें कि यह संजय सेतु पुल है जहां यह घटना घटी है और यह दुखद घटना में यात्रियों की जान चली गई है। इसमें कहा जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि 40 यात्री सवार थे जिनमें से कोई भी यात्री अब नहीं बचा है। यह दुख का यह क्षण है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया है। वहीं पर तुम तक न्यूज परिवार यह पीड़ित परिवार को सादर शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। तू कहीं मत जाना। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो आप,